हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस हम जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और आखिर बात नहीं हो पा रही है, सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है इस सिचुएशन में, या फिर बात भी हो रही है ना तो बात क्लियर नहीं है। आखिर उनके दिल में क्या चल रहा है, वो जुबा पे नहीं है, तो वो क्या चीज़ है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग बहुत पॉजिटिवली होकर सोचिए, देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ना कुछ मैसेजेस, क्योंकि कितने दिनों से ना एक पर्टिकुलर मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, वो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। जैसे कोई आपसे कुछ कहना चाहता हो, ऐसे काइंड ऑफ मैसेजेस है। I don't like when you ignore me. आप जिस तरह से उनको इग्नोर कर रहे हो ना, बिल्कुल भाव नहीं दे रहे, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मतलब चिढ़ मच रही है कि क्या, मतलब सिर्फ बात होते हुए भी आप अनजान बनने का एक जो पैटर्न कर रहे हो ना, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे, इग्नोर ही करते जा रहे हो, तो वो बहुत तकलीफ दे रहा है इंसान को। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। भले हम एक साथ हैं नहीं, हो नहीं सकते, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती। आई कॉन्ट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं, अपनी से दूर नहीं जाने दे सकता या दे सकती। ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपको देखने की इच्छा, आपको मिलने की इच्छा, यू नो, ये सिर्फ वीडियो कॉल की इच्छा नहीं है, वो बोल सकते हैं वीडियो कॉल, बट एक्चुअल में आपको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। यस, बहुत बहुत ज़्यादा है। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। मैंने आपको कहा था ना, ये मैसेज आप चाहे तो पीछे की वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ये मैसेज बार बार आ रहे हैं कि आपसे जिस तरह से वो प्यार करते हैं, वो किसी और से वो प्यार कर ही नहीं पाए और कर ही नहीं पा रहे हैं, ना कर सकते हैं। सीरियसली, अपने प्यार का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रहा है, और सो मैच करेगा फिर रीडिंग। आई हेट हु आई एम फ्रॉम यू। आपसे बहुत कुछ चीज़ छुपाया उन्होंने, बहुत कुछ चीज़ एक्चुअली में वो कैसे हैं, और मुझे लगता ना ये इवन रिसेंट की एनर्जी भी है, जो उनके दिल में है वो आपसे सामने से छुपा रहे हैं, मतलब आपको सामने से बता नहीं रहे कि आपके लिए वो कितना इमोशनली फील कर रहे हैं वगैरह, नहीं बता रहे। फुल ऑन मास्क है, लेकिन किसी और के साथ खुश है, नहीं हो सकता, आ नहीं सकते, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, बट इट्स लाइक छुपाने की बात है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। सो बात करने की इच्छा तो बहुत ज़्यादा है, मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, आपको देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ तो गलती की है, कुछ तो वजह है जिसकी वजह से डरे हुए हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी आ रही है कि जिसकी वजह से डरे हुए हैं। लेट मी परस्यू, ये आपके पीछे भागेगी अभी, लेट मी परस्यू, और ये अभी तो बनता है, इनको ही ये सब एफर्ट, इनको ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको मनाने में, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि आपकी तारीफ, आपकी साइड ले रही हूँ, बट इतना आपने सहा, इतना इंतज़ार किया यार, इतना मतलब ये किया कि अभी ऐसा लग रहा है कि इनको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तो लिटरली प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग, लाइक आपको लिटरली ऐसा लग रहा है ना, गले लगाना चाहते हैं, ऐसे वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। I don't talk about you. आपके बारे में बातें तो होती हैं, किसी खास पर्सन से हो, कुछ तो हो, बात होती है आपके बारे में, जिक्र होता है आपके बारे में, लिटरली बहुत खास तरीके से बात होती है, बहुत खास तरीके से, और कुछ स्पेशल बातें, लाइक ना ये सब बातें हो रही ना कि मैं उसे वापस देखना चाहता हूँ, मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मतलब मेरी गलती का माफ़ी होगा कि नहीं, या मैंने जो रायता फैला है उसके उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं। आई कीप द टेस्ट। अगर आपको लगता है
कि आपकी फ़ोटोज़ आपके टेक्स्ट डिलीटेड है उनके फ़ोन में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये अपनी सारी फीलिंग्स, अपनी सारी बातें, अपनी इमोशंस अपने फ़ोन में छुपाए हुए हैं। यस, है उनके पास। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। आपको ही पता है कि उन्हें कैसे स्माइल उनके चेहरे पे आ सकती है, और वो जैसे ना अपनी खुशी वापस लाना चाहते हैं, अपनी खुशी वापस पाना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं और बहुत पर्टिकुलर है, और कुछ मैसेजेस ना कुछ क्या मतलब, ये जो मैसेजेस हैं ना लिटरली कुछ जैसे ना कोई दिल की बात अब तक पहुँचाना चाहता हूँ, ऐसे वाली है। तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।